बात करेंगे महंगाई के हवाले से। मुल्तान में सब्जी महंगी होने से शहरी परेशान है। अदरक 240 रुपए किलो में मिलने लगा, जबकि 20 रुपए मिलने वाला टमाटर 40 रुपए फी किलो के हिसाब से बिकने लगा है। आपको बताएं कि इतवार के रोज सब्जी की दुकान पर आए शहरी भी परेशान दिखाई दिए। इतवार के रोज सब्जी की दुकान पर आए शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं, जबकि 20 रुपए मिलने वाला टमाटर 40 रुपए किलो में मिलने लगा है। अपडेट करेंगे इस हवाले से, अलिशपा आसिफ हमारे साथ मौजूद है, अलिशपा बताएगा। जी बिल्कुल, सब्ज़ी महंगी होने से शहरी परेशान हैं। घर में इस मौसम में बनने वाला सोहांजना 160 रुपए किलो, इसी तरह अदरक जो है 240 रुपए किलो, करेला जो है 160 रुपए किलो है। यहाँ पे जो इतवार के रोज़ शहरी सब्ज़ी लेने आए हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे जी, बताइएगा। ये जी सब्ज़ी वगैरह हर चीज़ को आग लगी हुई है, टमाटर है, अदरक है, लहसुन है, मिर्ची है, हर चीज़ महंगी है। 300-400 रुपये दिहाड़ी होती है मुलाजिम की, उसके घर अखराजात नहीं पूरे होते, बिलों ने मत मारी हुई है। सोहाना पहले था 200-100 रुपये किलो, सही है, वो बिक रहा है 160 रुपये किलो। टमाटर है, पहले बिक रहा था 10-20 रुपये किलो, अब 40 रुपये किलो टमाटर है। अदरक है 160 रुपये किलो, पहले 50 रुपये की अदरक किलो आ जाती थी। बंदा गरीब बंदा क्या करे जी। बिल्कुल, शहरी जो हैं महंगाई की वजह से परेशान है। उनका यही कहना है कि अगर एक मजदूर जो है दिन में 500 भी कमाता है, तो उसके लिए सब्जी लेना इंतहाई मुश्किल हो गया, खाना बनाना मुश्किल हो गया है। उनकी दरख्वास्त है कि कीमतें जो हैं कम की जाएं, ताकि ये शहरी महंगाई की वजह से परेशान हैं। बहुत शुक्रिया अलिशमा, आपने अपडेट किया। रुख करेंगे रहीमर खान का। रहीमर खान में सब्जियों के रेट्स में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। अदरक 130 रुपये किलो, सब्ज मिर्च 23 रुपये किलो सस्ती, जबकि मटर 10 रुपये फी किलो महंगा हो गया। मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे आमिर भट्टी, आमिर बताएगा। जी बिल्कुल, रहीमर खान में सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का जो एक सिलसिला है वो जारी। रहीमर खान में आज टमाटर की बात की जाए तो पहले ये 40 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जाता था, 10 रुपये फी किलो कमी के बाद अब ये 30 रुपये में फरोख्त हो रहा है। मटर की अगर बात की जाए, मटर पहले 40 रुपये फी किलो में था, 10 रुपये फी किलो इजाफे के बाद अब ये 50 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहा है। गोभी के फी किलो रेट जो है 20 रुपये बरकरार हैं। सब्ज मिर्च जो पहले 180 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रही थी, 30 रुपये फी किलो कमी के बाद अब ये 150 रुपये में फरोख्त हो रही है। शिमला मिर्च पहले 120 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही थी, 20 रुपये फी किलो कमी के बाद अभी 80 रुपये में फरोख्त हो रही है। इसके साथ साथ अगर शलजम की बात की जाए तो पहले 30 रुपये फी किलो फरोख्त हो रही थी, 10 रुपये फी किलो कमी के बाद अब ये 20 रुपये में फरोख्त हो रही है। खीरे की अगर बात की जाए, खीरा पहले 30 था, 10 रुपये इजाफे के बाद अब ये 40 रुपये में फरोख्त हो रहा है। आलू जो था पहले वो 40 रुपये में फरोख्त हो रहा था, 10 रुपये फी किलो कमी के बाद अब ये 30 रुपये में फरोख्त हो रहा है। इस तरह अदरक की बात की जाए, अदरक पहले इसका रेट एक हफ्ते कबल जो 400 रुपये फी किलो था, 130 रुपये फी किलो कमी के बाद अब ये 270 रुपये में फरोख्त हो रहा है। इस तरह से प्याज की अगर बात की जाए तो प्याज की फी किलो कीमत 30 रुपये उसी तरह से बरकरार है। सब्जियों के रेट्स में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है, तो शहरों का यही मुतालबा इंतजाम है कि सब्जियों के रेट्स में मजीद कमी लाई जाए ताकि महंगाई के ससाए रेट में मजीद कमी लाई जाए। बहुत शुक्रिया आमिर, आपने अपडेट किया।